नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक और आज सुबह में आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग प्राइम टाइम में। आज शुरुआत करेंगे एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर के साथ। ये खबर दरअसल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है। आपको बता दें कि जिंदगी और मौत से जूझ रहे आदमी के लिए एक एक सेकेंड कीमती होता है। वक्त रहते उसे इलाज ना मिले तो वो उसकी जिंदगी पर आफत बन सकता है। ऐसा कुछ हुआ एक बिजली कर्मचारी के साथ। दरअसल उसे 11,000 वोल्ट का करंट लग गया और उसके बाद उसके साथ जो कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने जो कुछ किया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। पहली नजर में तस्वीर को देखकर किसी को भी ये लग सकता है कि इस इंसान को भीड़ मार रही है। पैरों से इसके हाथ, पैर, सीना सब कुचला जा रहा है। लेकिन रुकिए, हकीकत में ऐसा नहीं है। ये भीड़ दरअसल अपने तरीके से इसकी जान बचाने की कोशिश में जुटी है। चौंक गए ना, लेकिन ये सच है। पूरे 30 मिनट तक जमीन पर पड़े इस बेसुध शख्स को इसी तरीके से इलाज दिया जाता रहा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा इलाज है और जमीन पर गिरे शख्स को हुआ क्या है। दरअसल ये बिजली विभाग में संविदा में काम करने वाला कर्मचारी है और काम के दौरान इसे करंट लग गया। जब 30 मिनट तक इसके उठपटांग इलाज से कुछ नहीं हुआ तब जाकर ऑटो बुलाया गया और इसे लादकर अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल ये आईसीयू में गंभीर हालत में है। उसने लड़कों से कहा कि काम करने के लिए चढ़ जाओ। ये रवि चढ़ा और ऊपर लाइन आ ही रही थी तो ये समझ लीजिए कि तार पकड़ नहीं पाया। पकड़ता तो ये वहीं मर जाता ऊपर ही। जैसे इसने किया तो करंट ने इसको फेंक दिया और फेंकने के साथ ही इसकी ये दुर्गत हो गई जो आप देख रहे हो। ये फट गया। कम पढ़े लिखे और गरीब कर्मचारियों को ये मालूम ही नहीं कि करंट लगने पर आखिर किया क्या जाए। जिन अफसरों को ऐसे मौके पर साथ देना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, वो करंट लगते ही फरार हो गए और ये तक नहीं देखा कि कर्मचारी जिंदा भी है या नहीं। अधिकारियों को हमने फोन किया, मैंने एक्शन को मैंने खुद फोन किया। जो हमारे लीडर्स के फोन जा रहे थे उन फोन को उठाया ही नहीं एक्शन ने। फिर मैंने फोन किया तो एक्शन ने फोन उठाया और फोन उठा के बोला हाँ जानकारी तो मुझे हो गई है, ये बताओ ये हो कैसे गया। मैंने कहा कारणों को बाद में खोजना, पहले इस लड़के को इलाज दिलवाओ। तब इस लड़के को भर्ती करवाया गया परंतु जिम्मेदार अधिकारी ना एसडीओ पहुंचा, जेई वहाँ थोड़ी देर मौजूद था, जेई भी भाग गया, वर्कर लगातार वहाँ जरूर जमा रहा है। सोचिए कम पैसों में भर्ती किए जाने वाले बिजली विभाग के कर्मचारियों की जान की क्या कीमत है, इसी बात से इसका अंदाजा लग जाता है। वैसे इस घटना से यह भी सबक लेना जरूरी है कि जब किसी को करंट लगे तो ऐसी हालत में करना क्या चाहिए, खासकर तब जब वो बेसुध हो जाए। करंट लगने से क्या होता है, जब 220 या 240 वोल्ट का करंट लगता है तो हार्ट में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होते हैं, मतलब हार्ट जो है एक लिमिट से बहुत ऊपर जल्दी से धड़क जाता है और इतनी तेज धड़कने से हार्ट अरेस्ट हो जाता है। तो जो अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर हैं या अच्छे लोग जानते हैं तो डीसी शॉक यूज़ करते हैं। हार्ट अरेस्ट में पंपिंग भी होती है। आमतौर पर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होने से वो सोचते हैं कि पीड़ित के ऊपर कूदने या हाथ पैर दबाने से उसकी हालत ठीक हो जाएगी, लेकिन असल में उन्हें सीने पर सही जगह पर पंपिंग करनी चाहिए ताकि अगर दिल की धड़कन रुक गई है तो वो दोबारा शुरू की जा सके। इसे CPR भी कहा जाता है। इसीलिए कम से कम ऐसे विभाग जहां दुर्घटनाओं की आशंका ज्यादा होती है वहां काम करने वाले कर्मचारियों को तो कम से कम इसकी ट्रेनिंग जरूर मिलनी चाहिए, वरना लोग कम जानकारी में इसी तरह पैरों से कुचलकर इलाज करते रहेंगे और विभाग के अधिकारी मुंह छुपाकर भागते रहेंगे। मुकुल शर्मा, बुलंदशहर आज तक।